हाय सो हम लास्ट सेशंस में ही समझ चुके हैं कि इंटरनल बैरियर्स कितने तरीके के होते हैं और एक्सटर्नल बैरियर्स कितने तरीके के होते हैं जब हम इफेक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं तब राइट और हमने ये भी देखा और जाना कि इंटरनल बैरियर्स पे काम करना बहुत जरूरी है जबकि हम एक्सटर्नल बैरियर्स के बारे में सोचते रहते हैं उसने ऐसा किया इसलिए मैं सुन नहीं पाया उसने ऐसा किया इसलिए मैं लाइफ में ये नहीं कर पाया उसने मुझे करने नहीं दिया इसलिए मैं नहीं कर पाया जबकि हमें फोकस कहाँ करना चाहिए हमें इंटरनल बैरियर्स पे फोकस करना चाहिए चाहे वो लिसनिंग के बैरियर्स हों चाहे हमारे खुद के बैरियर्स हों जो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हों राइट तो हमें फोकस कहाँ रखना है इंटरनल बैरियर्स को इम्प्रूव करने में बायस नहीं रखना है प्रेजिडिस नहीं रखना है ओपन माइंड के साथ सुनना है प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है और पॉजिटिव एटीट्यूडनली पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है ठीक है अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दैट इज होमोफोन्स ओके व्हाट इज होमोफोन्स होमोफोन्स ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब अलग है लेकिन साउंड सेम आएगा ठीक है काफी बार सेशंस में मैं बोलती हूं कि हिंदी भाषा जैसे ही लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है ठीक है बट इंग्लिश इज लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज मुझे भी सीखने में बहुत टाइम लगा जैसे लिखी जाती है वैसे बोली नहीं जाती तो साइकोलॉजी पी से शुरू होता है और टी ओ टू होता है पर जी ओ गो होता है ठीक है तो प्रोनाउंसिएशन भी अलग है लिखने का तरीका भी अलग है और काफी शब्द ऐसे हैं जो सेम प्रोनाउंस करते हैं लेकिन मतलब अलग है ओके जैसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो पी आर आई एन सी आई पी एल ई मतलब जीवन में उसूल और पी आर आई एन सी आई पी ए एल आपके इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल ठीक है इसी तरीके से अलाउड ए डबल एल ओ डब्ल्यू ई डी और दूसरा शब्द होगा अलाउड ए एल ओ यू डी ओके अब अलाउड पहले शब्द का मतलब प्लीज अलाउ अंदर आने दीजिए कमरे में आने दीजिए अलाउ हिम टू सिट इन द एग्जाम ए डबल एल ओ डब्ल्यू है ना और अलाउड का मतलब जोर से बोलना है ना सो होमोफोन्स वो शब्द हैं जो प्रोनाउंस सेम होंगे लेकिन जिनका मतलब अलग होगा उनके स्पेलिंग्स भी अलग होंगे लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होंगे सो दे आर दी होमोफोन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज सबसे कॉमन जो आप इस्तेमाल करते हैं इज देयर देयर टी एच ई आई आर मतलब उनके और टी एच ई आर ई मतलब वहां ठीक है इसी तरीके से हॉस्टाइल होस्टल विद प्रोनाउंसिएशन इन मेनी कंट्रीज दिल से हॉस्टल ही इज हॉस्टल मतलब हॉस्टाइल ठीक है और होस्टल मतलब जहां पे बच्चे रहते हैं हॉस्टल्स राइट सो काफी बार प्रोनाउंसिएशंस कुछ शब्दों की सेम होती हैं प्रोनाउंसिएशन क्या वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बिल्कुल करती है हम कौन सी प्रोनाउंसिएशन ज्यादा फॉलो करते हैं यूके प्रोनाउंसिएशन ज्यादा फॉलो करते हैं बिकॉज उसी एक देश ने हमें काफी साल हम पे राज किया हम जब इंडिपेंडेंट नहीं थे तो इस वजह से यूके इंग्लिश ज्यादा जो है इंडियंस यूज करते हैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि इंडियन कम्युनिटी ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलने वाली हाईएस्ट कम्युनिटी है वर्ल्ड में मतलब हम ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं ग्रामेटिकली गलत नहीं बोलते एज कम्पेयर टू नेशंस जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज ही या जिनकी मदर टंग ही इंग्लिश है ठीक है सो होमोफोन्स हमने समझ लिया और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं विच इज गोइंग टू बी इंटरप्रेटिंग स्पीकर्स इंटेंशंस कैसे पता चलेगा कि सामने बोलने वाला व्यक्ति उसका एक्चुअल में मतलब क्या है ठीक है तो मैंने काफी बार ये बोला और जब सेशन शुरू किया तब भी बोला मैं बार बार बोलती जाऊंगी कि हमारा 93% फोकस कहां पे होने वाला है नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज वॉइस उस पे होने वाला है तो 93% 55% बॉडी लैंग्वेज 38% वॉइस उस पे होने वाला है
तो इंटरप्रेटिंग स्पीकर्स इंटेंशंस में आप सबसे ज्यादा फोकस किस बात पे रखेंगे? आपके बॉस आपके सामने खड़े होकर बोल रहे होंगे, आपके प्रोफेशन में आपका कॉलीग आपसे बात कर रहा होगा, आपका ध्यान किस बात पे होना चाहिए? आपका ध्यान इन बातों पे होना चाहिए कि क्या उन्होंने आई कॉन्टेक्ट किया, नहीं क्या उनके बोलते टाइम किन शब्दों पे उन्होंने स्ट्रेस दिया, एक वाक्य उन्होंने बोला कैसे, कहाँ जोर दिया कहाँ नहीं, वही चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यस, उन्होंने क्या बोला जरूरी है, विच इज 7%, यस इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उन्होंने कैसे बोला। ठीक है, मैं क्लास में सेशंस में कई बार आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपके फादर आपको गुस्से में गर्दन से पकड़े हैं और बिल्कुल कि तू समझता नहीं है बात, हाँ, और अचानक से स्माइल करने लगे तो आप पहले तो खौफ में होंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि वो मजाक कर रहे हैं, राइट। तो हम काफी बार लोगों के एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज और वॉइस जो है उस समझने की कोशिश करते हैं और काफी बार हम चूक भी जाते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होने वाला है कि आप अंडरस्टैंड क्या करने वाले हैं, आप स्पीकर की इंटेंशंस कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, वो क्या चाहता है आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमने काफी बार सेशंस में मेंशन किया कि केवल 7% क्या बोल रहे हैं, 38% कैसे बोल रहे हैं, बिकॉज 38% इज गोइंग टू बी योर वॉइस, राइट। इट इज फंडामेंटल नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई द चॉइस ऑफ वर्ड सेलेक्टेड बाय द स्पीकर एज वेल एज द चॉइस ऑफ वेन्यू, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने चैनल क्या इस्तेमाल किया और उन्होंने किन शब्दों पे जोर दिया, किन शब्दों पे जोर नहीं दिया। अब मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये होने वाला है कि वक्ता मतलब बोलने वाले ने किन शब्दों का चुनाव किया, क्या वर्ड्स उन्होंने यूज किए, उन्होंने कौन से वेन्यू पे किए मतलब कौन सी लोकेशन पे, क्या आपके साथ जो आपके बॉस ने बात की क्या वो एक कॉन्फ्रेंस में की या वो एक ऑफिस में उन्हीं के ऑफिस रूम में की या वो एक इनफॉर्मल सेटिंग थी, ऑफिस की पार्टी चल रही थी वहां पे बात हुई, क्या चैनल का इस्तेमाल किया गया, क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया गया, क्या एक केवल ऑडियो थी जो आप देख पा रहे थे, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपने अपने बॉस से बात की, क्या आमने सामने फेस टू फेस बात की और किन शब्दों पे उन्होंने जोर दिया। तो काफी चीजें जो है वो इंटरप्रेटिंग द पर्सन में आपकी हेल्प करती है। आप किसी व्यक्ति को कब समझ सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और इन इनमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि पहली बात वो बोल कैसे रहे हैं, कौन से शब्दों पे जोर दे रहे हैं और दूसरी बात वो कौन से सिचुएशन में। हमने काफी बार बोला कि कॉन्टेक्स्ट में आपकी कम्युनिकेशन का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मतलब अगर आपके बॉस ने आपको कोई बात एक मीटिंग में बोली, ऑफिशियल मीटिंग में बोली, तो उसका मतलब अलग होगा और अगर आपके बॉस ने आपसे बात एक एनुअल पार्टी में बोली, उसका मतलब अलग होगा। आपने अगर सैलरी इंक्रीमेंट की बात करनी है फॉर एग्जांपल, तो क्या आप एक ऐसी मीटिंग में कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हो जहां सीरियस माहौल है, एकदम सेल्स पे डिस्कशन हो रही है कि कोरोना की वजह से सेल्स डिप में है, कैसे बढ़ाया जाए, तो क्या आप सैलरी इंक्रीमेंट की बात अपने बॉस से उस वक्त करेंगे? शायद नहीं, राइट। लेकिन अगर एक इनफॉर्मल सेटिंग है, एनुअल पार्टी हो रही है ऑफिस की, कोरोना के बाद लॉकडाउन के बाद आप लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या आप उस एक एनुअल फंक्शन में या एक पार्टी के सेटअप में जब आप बॉस के साथ एक बहुत इनफॉर्मल सेटिंग में, क्या आप सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं, राइट। तो काफी चीजें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप किस सिचुएशन में हैं, आपकी कम्युनिकेशन सिचुएशन के साथ चेंज हो जाएगी, लोगों के साथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, कंफ्यूजन कब होगी? जब आपका वर्बल और नॉन वर्बल मैच नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैंने काफी बार दिए कि क्या आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो किसी अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई तो वो उनके उनके क्रियाक्रम पे गए हैं या उनके संस्कार पे गए हैं और कुछ लेडीज हैं जो पीछे बैठ के हंस रही हैं, गिकल कर रही हैं, आपको
और जैसे ही आपने उनको अप्रोच किया तो वो बोलेंगी कि बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, वो दुनिया छोड़ के चले गए, परमात्मा आपको शक्ति दे कि आप इस दुख को जो है वो बर्दाश्त कर पाएं। लेकिन आप उनको देख चुके हैं हंसते हुए वहाँ बैठे हुए पीछे, आपको क्या एक्चुअल में लगेगा कि वो जेन्युइनली आपसे वो बात बोल रहे हैं या नहीं? आपको नहीं लगेगा कि वो जेन्युइनली आपसे बात बोल रहे हैं, बिकॉज वो वहीं पीछे बैठ के हंस रहे थे, कुछ मोबाइल में देख रहे थे, वो शायद उस लॉस के बारे में वैसे नहीं सोच रहे हैं, वो फील नहीं कर रहे हैं जैसा वो वर्बली बोल रहे हैं। मतलब जो वो वर्बली बोल रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ, वो दुखी नहीं है, ठीक है? सो आपके वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स मैच करने चाहिए। इसका एग्जांपल हमने एक और लिया था, आप इंटरव्यू के लिए गए और आपने बोला, आपसे उन्होंने बोला कि आप में क्या क्वालिटीज है कि आपको हम हायर करें, तो आपने बोला कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ सर, मुझे लगता है कि मैं वो सब कर पाऊंगा जो आपकी कंपनी एम करती है, मैं बहुत अच्छी सेल्स कर सकता हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस खूब है। क्या आपको मेरी आवाज से कॉन्फिडेंस नजर आया या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से नजर आया? नहीं, राइट? आई वॉज साउंडिंग नर्वस, मेरी आवाज कांप रही थी, मैं आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं कर रही थी आप लोग के साथ, और मेरी आवाज में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं वर्बली बोल रही थी कि सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आप इसलिए मुझे हायर करिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो फोकस करके चलेगी मैं वो अचीव करने में मदद, मैं बहुत सेल्स बहुत अच्छे से करूंगी, ठीक है? लेकिन मेरी आवाज में वो चीज नहीं थी। लेकिन दूसरे सिनेरियो में अगर आपको ये बोला जाए कि आपको इंटरव्यू देनी है और आपकी आवाज और आपने क्या बोला, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल वॉइस दोनों मैच करने चाहिए, आप उसकी एग्जाम्पल लीजिए, तो मैं ऐसे बात करूंगी कि हेलो सर, माय नेम इज मनीषा शर्मा, आई एम हियर टू गिव यू द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई बी एबल टू वर्क वंडर्स फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम अ वेरी फोकस्ड पर्सन, आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स, आई लव टेकिंग अप चैलेंजेस एंड मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आई शैल प्रूव माई सेल्फ टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। मेरी आवाज में कॉन्फिडेंस था, यस, मैं आई कॉन्टेक्ट कर रही थी, यस, मेरे फेस से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, यस, और जो मैं बोल रही थी वो मेरे सारे बॉडी लैंग्वेज और वॉइस के साथ मैच कर रहा था, एब्सोल्युटली यस, राइट? तो आपको लोग आपके वर्बल और नॉन वर्बल के मैच होने पे जज करेंगे। आपका वर्बल कुछ और है और आपका नॉन वर्बल कुछ और है, they'll not be trusting you, वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे, प्लीज, ठीक है? अब हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं। Now this topic was interpreting speaker's intention, स्पीकर की इंटेंशन समझने की कोशिश करना। तो उसके हमने सीखा कि उसकी आवाज और उसका उसने क्या बोला वो मैच करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज मैच करना चाहिए। हमने ये भी देखा कि सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि लोग क्या बात करते हैं और वो मीन करते हैं उसको या नहीं, उसका वो मतलब है या नहीं, राइट? तो हम स्पीकर्स को उनके उस वर्बल या नॉन वर्बल दोनों के मैच पे हम उनको जज करते हैं, ठीक है? इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म कर रही हूँ। हम नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि जब हम कंप्लेंट करते हैं, जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम एंगर में होते हैं, तो हमारा वर्बल और नॉन वर्बल कैसे जाता है या कैसे जाना चाहिए, करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है, ठीक है? इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म कर रही हूँ। खुद का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए, प्लीज स्टे वेरी वेरी एटीट्यूडनली पॉजिटिव एंड कीप वर्किंग ऑन द असाइनमेंट्स। और आपके जो स्लाइड शो है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मैं वो साथ में शेयर करती चलूंगी ग्रुप्स पे, ताकि आपके लिए आसान हो अंडरस्टैंड करना।